तंबाकू नियंत्रण कक्ष MGVS संस्था ये और महानगर पालिका औरंगाबाद ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के अंदर से तंबाकू नियंत्रण एक्ट के अंडर में ये अवेयरनेस प्रोग्राम अभी शुरू किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक प्लेस में किसी ने स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में किसी ने स्पिटिंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई थूकता है या स्मोकिंग करता है तो गवर्नमेंट के जो एक्ट जो है पुलिस अधिनियम का एक एक्ट है उसके अंदर से 1,000 रुपये फाइन भी हो सकता है। अगर किसी ने स्मोकिंग किया पब्लिक प्लेस पे तो उसको मैक्सिमम 200 रुपये फाइन भी हो सकता है। तो ये अभियान अभी जो शुरू किया है ये अभियान के अंदर से हम सभी को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे किसी ने स्मोकिंग मत कीजिए, थूकिए मत। अगर थूकते हैं तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना भी देना होगा। अगर स्मोकिंग करते हैं पब्लिक प्लेस पे तो 200 रुपये भी फाइन हो सकता है। ये अभियान के अंडर में और एक मैं बोलना चाहूँगा, एक महिला बाल कल्याण विभाग का एक टोल फ्री नंबर है 1098, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे अगर किसी भी पीड़ित बालक आपको दिखाई देता है तो ये 1098 ये टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तुरंत एक 2-3 घंटे के अंदर हमारी टीम ये जो पीड़ित बच्चा है उसकी सहायता के लिए हम वहाँ पे आ सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है ये भी अभियान की ओर से 1098 टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कीजिए ताकि जो पीड़ित बच्चे हैं उनको भी सहायता मिल सके। ये मेरा सवाल ये है सर, ये आपका सरकारी डिपार्टमेंट है तो अभी कोरोना के मरीज जो बढ़ रहे हैं तो अभी ये जन जागृति करना शुरू किया आपने या इससे पहले से जारी है? वैसा तो जन जागृति हम अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू हमारा अवेयरनेस जन जागृति चल रहा था, मगर अभी थोड़ा सा ओपन हुआ है लॉकडाउन तो हम फिर ये माइक और अलग अलग ये माध्यम से ये कोविड और तंबाकू किसी ने सेवन नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, तो इसका अभियान हम पहले से भी कर रहे थे मगर अभी ज़्यादा बड़े मास लेवल पे हम कर रहे हैं क्योंकि थूकना और स्मोकिंग करना इसका कोविड का बहुत सारा रिलेशन है, थूकने का तो बहुत सारा बड़ा रिलेशन। सर आपका नाम और पद बोलिए। मैं अप्पा साहेब उगले, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था औरंगाबाद। मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था, जिल्हा तंबाकू नियंत्रण कक्ष आणि औरंगाबाद महानगरपालिका यांच्या वतीने आपण एक 7 दिवसाचा कोविड आणि तंबाकूच्या रिलेशनमधला जो अभियान आहे तो राबवणार आहोत। याच्यामध्ये आपल्याला मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की तंबाकूचं सेवन करू नका आणि कोविडला निमंत्रण देऊ नका। सिगरेट बीडीच्या व्यसनाने जे आपले फुफ्फुस आहेत त्याची क्षमता कमी होते आणि रोगप्रतिकार शक्तीसुद्धा कमी होते। तर जर आपण सिगरेट बीडी तंबाखूचं सेवन केलं तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि कोरोना पसरण्याचा सुद्धा लक्षणे वाढतात। तर या अभियानाच्या वतीने मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था, जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्ष आणि औरंगाबाद महानगरपालिका आम्ही सगळे मिळून सगळ्यांना हे आवाहन करतो की तंबाखूचे हे व्यसन सोडावे, निर्व्यसनी राहावे आणि सुरक्षित राहावे। आजपर्यंत चालू केली का? आता आज केली का? आजपासून चालू झालेली आहे, आजपासून 7 दिवसांपर्यंत। कुठे कुठे जनजागृती करणार आहे आपण? ही पूर्ण शहरात फिरणार आहोत, वेगवेगळे आम्ही सेक्शन केले आहेत पूर्ण शहराचे, दररोज एका सेक्शन मध्ये जाणार आहोत। सगळीकडे आम्ही नो स्पिटिंग आणि नो स्मोकिंगचे स्टिकर सुद्धा लावणार आहोत। हे प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी असे स्टिकर लावणार आहोत, हे नो स्मोकिंगचं आहे। त्याचबरोबर थुंकू नका असे सुद्धा सगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी। ग्रामीण विकास संस्था तसेच इतर नॅशनल हेल्थ मिशन, महानगरपालिका यांच्या माध्यमातून धूम्रपान करू नका, कोरोनाला आमंत्रण देऊ नका, सिगारेट बिडी पिऊ नका या संदर्भाने 7 दिवसाची ही मोहीम पूर्ण शहरभर मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे। त्या मोहिमेला आमच्याकडून महानगरपालिकेकडून शुभेच्छा, तसेच नागरिकांना सुद्धा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात येते की जर तुम्ही सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट वगैरे पिली तर 200 रुपये दंडास तुम्हाला सामोरे जावं लागेल, तसेच तंबाखू खाऊन सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास 1,000 रुपयापर्यंत द्रवदंड होऊ शकतो।
ही अप्रिय कारवाई टाळून सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे व सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट पिणे हे नागरिकांनी बंद करावे आणि कोविडला सुद्धा या संदर्भाने आमंत्रण देऊ नये अशी सर्व नागरिकांना विनंती करतो आणि ह्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।